नारायण पानी तुम ऊपर खाई बना रहे हो, हो जाएगा यार। मैंने जिली भी बोल के किसी को भी मारे। अरे शांत करो भाई, शांत पहले पानी। यूपी के जनपद उन्नाव में नगरपालिका की टैक्स कलेक्टर और चेयरमैन पति के बीच का विवाद काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इसे इस वीडियो से बेहतर समझा जा सकता है। नारायण पानी तुम ऊपर खाई बना रहे हो, खत्म हो जाएगा। यार मैंने जिली भी बोल के किसी को भी मारे। अरे शांत करो भाई, शांत पहले पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पी लीजिए। हुआ कुछ यूं कि महिला टीसी ने अचानक ही अपने कार्यालय का दरवाजा बंद कर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, जिसे सुन कार्यालय में हड़कंप मचा। कर्मचारियों ने उन्हें शांत कराया, बैग से निकाल कर पीने का पानी दिया, मगर उनके आंसू नहीं थमे। नगरपालिका में तैनात कर अधीक्षक किरण लता सोनकर ने नगरपालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा के पति और चेयरमैन प्रतिनिधि प्रवीण मिश्रा पर टैक्स संबंधी कार्यों को लेकर दबाव बनाने और बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। तो मैं आते ही कह दिया था मुझे वसूली चाहिए, खूब वसूली चाहिए। इनको जिन्होंने टिकट दिलाया, इनके बहनों से भी थी, ऐसे ही चल रही है। केवल हरेसमेंट करना है, सत्ता का दुरुपयोग है। सारे आदेश वो करते हैं, वो कहते हैं कि जो मैं चाहूंगा वो करूंगा और जैसे मैं चाहूंगा वैसे काम कराऊंगा। 5 साल तक मुझे ही नगर पालिका के उसमें रहना है, मैं ही रहूंगा, मैं ही अपने अनुसार काम कराऊंगा। इनकी केवल सत्ता की गर्मी है कि क्या कहते हैं, मैं सत्ता में हूँ, मैं यहाँ हूँ। एक अध्यक्ष दिया आती कहाँ, जरा कभी कदार आ जाती है, जरा से बैठ जाती चली जाती है, कभी किसी पब्लिक की। हम लोग भी अपने इम्प्लॉयियों को सुनती नहीं, सबको इधर से उधर ट्रांसफर करती रहती है। वो दबंगई दिखा रहे बस, और उनके लड़के आते हैं यहाँ बाहर खड़े होने की सबकी बातें सुनेंगे, हर ऑफिसर्स की सबके रूम के बाहर, और सबका वीडियो बनाते हैं वो रूम। नहीं, उन्होंने मेरे लिए लेटर जारी करा कि किरण का सारा काम छीना जाता है, विज्ञापन और पेंशन। मुझे इससे क्या मतलब, हमने कहा पेंशन बन रही, पेंशन आदमी को मिलती है, अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो आदमी हंगामा करेगा, कोई भी कर्मचारी हंगामा करेगा। और वाद का काम है, मैं वकील तो हूँ नहीं, मैंने लॉ पढ़ा नहीं, आपने मुझे वाद दिया, मैं फिर भी देख रही हूँ उसको। यहाँ पे जो संबंधित वाद विवाद में क्या कहते, बाबू नहीं चपरासी बेचारा वो सिग्नेचर करता है। हमने कई बार कहा कि इसको इस जगह पे एक बाबू निपुट कर दिया जाए, बाद में जब बाबू सिग्नेचर करेगा तभी तो अधिकारी सिग्नेचर करेगा। इनका कहना है कि नहीं, हम तो किसी का भरोसा नहीं करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ नगरपालिका चेयरमैन के पति प्रवीण मिश्रा इस पूरे मामले पर अपनी सफाई देते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये साजिश है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि माननीय अध्यक्षा श्रीमती श्वेता मिश्रा जी के द्वारा इनकी लगातार शिकायतें मिलने के कारण इनके पटल में बदलाव किया गया है। विभाग में जिस हैं उसी विभाग में रहते हुए इनके पटल में बदलाव किया गया है, जिससे आहत होकर इन्होंने एक राजनीतिक उद्देश्य से मेरे साथ षड्यंत्र करने का प्रयास किया है। और इस षड्यंत्र को आप इस तरह समझ सकते हैं कि कई वीडियोज़ हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि कुछ तथाकथित पत्रकार भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इस तरह के आगे पहले भी कार्य कर चुके हैं, वो फिर ये दोहराना चाहते हैं। उनकी तरफ से मेरे पास पैसे की भी डिमांड आई थी, लेकिन अध्यक्ष जी ने जो कार्रवाई करी है वो जनता की शिकायत पे करी है। इसके पहले मामला क्या था, पूरा क्या मामला था जिसकी वजह से उन्होंने आप पे आरोप लगा दिया? मामला सिर्फ इतना था कि इनकी शिकायत सभासदों के द्वारा और कुछ जनता के द्वारा लगातार इनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। किस टाइप की शिकायतें थी? म्यूटेशन की फाइल्स में पैसा लेना, भ्रष्टाचार करना या उसमें देरी करना, और जहां भी जाना लोगों से साथ अभद्रता से बात करना, गाली गलौज करना, इस टाइप की इनकी शिकायतें लगातार हम लोगों को मिल रही थी, जिस पे इनको एक नोटिस भी भेजा गया था माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा। मैं बताना चाहूँगा आपको, 17/11/2023 को इनको स्पष्टीकरण इनसे मांगा गया था, जिसका ये स्पष्टीकरण इस नोटिस के 17/11/2023 को इनसे ये स्पष्टीकरण मांगा गया था। उसके बाद इन्होंने स्पष्टीकरण का कोई जवाब नहीं दिया, तो इनके पटल में 28/11 को इनके पटल को चेंज कर दिया गया, जो अध्यक्षा के अधिकार में नहीं थे। कार्यभार का क्षेत्र चेंज किया गया, ना ही इनका कोई डिमोशन किया गया, ना इनको सस्पेंड किया गया, ना इनका वेतन रोका गया। उससे ये बहुत ज़्यादा आहत होकर किसी राजनीति का शिकार हो रही हैं, और राजनीतिक उद्देश्य से ही मेरे साथ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है।
आजकल उन्नाव में ये षड्यंत्रों की महामारी आ गई है। कुछ लोग जबरदस्ती अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र करा रहे हैं। इस मामले में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, मगर जिस तरह से चेयरमैन पति अपनी सफाई दे रहे हैं उसे देखकर लगता है वो चेयरमैन प्रतिनिधि नहीं, खुद ही चेयरमैन है। उधर महिला टीसी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ऐसे में देखते हैं कि ये मामला कब तक सुलझ पाता है। NBT ऑनलाइन के लिए उन्नाव से मनीष सिंह की रिपोर्ट।